उत्तर प्रदेश राज्य सेवा की अधिकारी ज्योति मौर्या के साथ साथ मनीष दुबे के नाम की भी खूब चर्चा है। महोबा जिले में पदस्थ जिला होमगार्ड कमांडेंट दुबे पर ज्योति के पति आलोक मौर्या ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे इधर बात करें तो मनीष दुबे की छवि कथित तौर पर रौब दिखाकर मनमानी करने वाले अफसर की बताई जाती है। अमरोहा में तैनाती के दौरान होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का इतना दबदबा था कि जिले के जिम्मेदार अफसरों से लेकर जन प्रतिनिधि भी उनके सामने सरेंडर रहते थे। दरअसल अमरोहा जिले में तैनात 12 होमगार्डों को उस वक्त मुसीबत का सामना करना पड़ गया जब उन्होंने होमगार्ड एसोसिएशन ज्वाइन कर ली और उनकी खबर स्थानीय अखबार में छप गई। फिर क्या था ये देख होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। इस मामले को आधार बनाकर होमगार्ड कमांडेंट ने अपने विभाग के 12 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उसके बाद होमगार्डों ने जिले भर के अफसरों और जन प्रतिनिधियों से लेकर लखनऊ तक के जिम्मेदार अफसरों से न्याय की गुहार लगाई। जिले से लेकर लखनऊ तक अफसरों ने बर्खास्त होमगार्डों की एक न सुनी और मनीष दुबे की दहशत जिले में लगातार बनी रही। किसी जिम्मेदार ने होमगार्डों की सुनवाई करने तक की हिमाकत नहीं की। 12 होमगार्ड लगभग 2.5 साल तक बर्खास्त रहे। 6 होमगार्डों को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा। फिर अदालत के आदेश पर 6 होमगार्ड 2021 में बहाल हुए तो बाकी 6 होमगार्ड स्टे के सहारे आज भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की मनमानी के सामने डीएम एसपी से लेकर विधायक और सांसदों ने भी चुप्पी साध ली थी। फिलहाल ज्योति मौर्या के प्रेम प्रसंग में नाम सामने आने पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर गाज गिर सकती है। गंभीर आरोपों की जांच में दुबे को दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ निलंबन की सिफारिश की गई है। इसको लेकर होमगार्डों के परिवार दबी जुबान से कहते नजर आ रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। वहीं आज भी अमरोहा जिले के होमगार्डों में मनीष दुबे की दहशत बरकरार नजर आ रही है। कोई भी होमगार्ड कैमरे पर मनीष दुबे के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं है, जबकि इस होमगार्ड कमांडेंट का अमरोहा जिले से ट्रांसफर हुए काफी समय बीत चुका है। मतलब होमगार्ड डिपार्टमेंट में दबंग होमगार्ड कमांडेंट का दबदबा आज भी दिखाई पड़ता है। ज्योति मौर्या केस में महोबा के होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे का भी नाम उछला है। इसे लेकर डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड बी के मौर्या को सौंप दी है। जांच में मनीष दुबे के 3 मामलों का जिक्र करते हुए विभाग की छवि को धूमिल करने का दोषी पाया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मनीष दुबे के निलंबन की सिफारिश कर दी गई है। जांच रिपोर्ट अब शासन को भेजी जाएगी जिसके बाद मनीष दुबे पर कार्रवाई तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ।